प्रिय विद्यार्थियों, आरसीए की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपना एक नया चैप्टर ए समी का स्टार्ट कर रहे हैं और ए समी का स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए ए समी का होता क्या है और इसको कैसे हमें पढ़ना है उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि ए समी का की परिभाषा क्या होती है, उससे पहले मैं आपको हल्का सा कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, आप जब नाइन्थ टेंथ में पढ़ते थे उस टाइम सर ने पढ़ाया होगा एक्स प्लस टू, अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप इसे बोलते थे कि ये एक रैखिक समीकरण है। अगर इसको मैं वाई इक्वल टू लिख दूं तो ऐसे ही बोला होगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, याद होगा जब आप ग्राफ बनाते थे उस टाइम भी बताया होगा कि एक रैखिक समीकरण है। ग्राफ में देखा होगा सब रेखाएं एक लीनियर तरीके में अभिव्यक्त होती थी, लीनियर तरीके में रिप्रेजेंट होती थी। तो देखिएगा, जब आप x प्लस टू इक्वल टू जीरो कर दो तो ये एक समीकरण का निर्माण करती है, ये एक समीकरण का निर्माण करती है क्योंकि आप x इक्वल टू माइनस टू कर सकते हो। और अब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पांच कर दो तो ये एक द्विघात व्यंजक को व्यक्त करेगा। किसको? द्विघात व्यंजक। और अगर आपने इसको ऐसा बोला तो ये एक घात का व्यंजक है और दो घात का भी बीजीय व्यंजक, बीजगणित से संबंधित है ना, एक्स आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस पांच। देखो, सबसे पहले आपने बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू ऐसा लिखोगे तो ये एक रैखिक समीकरण है, इसमें अगर इसको बोलोगे तो ये एक घात का, देखो ना घात एक है, एक घात का क्या है, बीजीय व्यंजक है, ये क्या है बराबर जीरो करते क्या बन गया समीकरण, और ऐसा लिखा तो क्या हो गया द्विघातीय व्यंजक। और अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो लिख दिया तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। और अगर इस समीकरण में आपने कुछ परिवर्तन कर दिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पांच ग्रेटर देन जीरो लगा दो, लेस देन जीरो लगा दो, या ग्रेटर इक्वल टू जीरो लगा दो, या लेस देन इक्वल टू जीरो लगा दो, उस कंडीशन में ये असमीका बन जाती है। समीकरण था जब बराबर जीरो था, समीकरण होती है उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जबकि यहां पर तुलनात्मक मतलब समानता होती है और यहां पर एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा पक्ष होगा। तो अगर ऐसे चिन्ह आपको किसी भी जगह दिखाई दे तो आप बोलोगे कि वो एक असमीका है। तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, वे कथन जिनमें लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें असमीका कहते हैं। या आप यह भी बोल सकते हो कि असमीका ऐसे कथनों को कहते हैं जिनमें लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, और या फिर आप वे कथन जिनमें इस टाइप के चिन्ह प्रयुक्त हों तो उसे क्या बोलेंगे, असमीका। जैसे आप बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पांच ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, असमीका को। एक्स प्लस टू लेस देन जीरो क्या बन गई, असमीका। और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नौ ग्रेटर इक्वल टू जीरो क्या बन गई, असमीका। एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस सात लेस देन इक्वल टू जीरो क्या बन गई, असमीका। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि असमीका कहेंगे किसे, असमीका उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जिनमें ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। अब आप देखिए, ये थी इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को समझने के बाद आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आज से ये टॉपिक का शुरुआत हुई है और आज से आपको बहुत ध्यान से आपकी कॉपी में नोट करना है ताकि आगे जब आप पढ़ो उस टाइम आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इसके अगला टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण से बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसमें कम से कम तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको नजर आएंगे और तीन या दो का मतलब है कि वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप इस टॉपिक का अगर बेसिक आपको आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक ट्रिक लिखवाता हूं, इसमें मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान देना कि वो ट्रिक क्या है, और उस ट्रिक को मैं इस साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो उस टाइम दिखता रहे। और ये ट्रिक 90% केसेस में सही है, 10% केस में कहां प्रॉब्लम करेगी वो आगे आने वाले जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि कहां दिक्कत आएगी। और ज्यादा अपवाद नहीं है इस ट्रिक के, जो है वो उनको मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव साइन का यूज करना है, प्लस चिन्ह लेना है। ये प्लस चिन्ह क्या है क्या नहीं है आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल अभी याद करना है, जब क्वेश्चंस होंगे उस टाइम में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू है उस टाइम आपको नेगेटिव साइन का यूज करना है, साइन मतलब चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए, जब ग्रेटर देन हो या लेस देन हो उस टाइम आपको छोटे ब्रैकेट का यूज करना है, ओपन इंटरवल, इसको हिंदी में बोलते हैं छोटे ब्रैकेट को विवर्त अंतराल, विवृत विवृत ये बोल सकते हो आप, विवृत अंतराल। और जब आपका बड़ा ब्रैकेट बोलते हो ना उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी संवृत अंतराल, संवृत अंतराल। ये आपको कॉम्पिटिशन में छोटा बड़ा ब्रैकेट बोल के नहीं मिलेगा, ये बोल के मिलेंगे संवृत अंतराल, विवृत अंतराल ऐसे। तो देखिए, लेस देन या ग्रेटर देन हो तो आपको छोटा ब्रैकेट यूज करना है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है उस टाइम आपको बड़े ब्रैकेट यूज करने हैं। ऐसा है तो आपको क्या यूज करना है, बड़े ब्रैकेट, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो तो बड़े ब्रैकेट। इसमें कहां अपवाद है वो टाइम आएगा सब बताऊंगा। उसके बाद देखिए, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो तो आपको कैसा ब्रैकेट यूज करना है, छोटा। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, जब आपको छोटे ब्रैकेट मिले उस कंडीशन में आपको ब्लैंक सर्किल यूज करना है, इसको हिंदी में बोलेंगे, चलो मैं इंग्लिश ही लिख देता हूं, इतना तो आपको इंग्लिश आती होगी, ब्लैंक सर्किल। ब्लैंक सर्किल का मतलब है कि वो पॉइंट जिस पर ब्लैंक सर्किल है वो हमारे उत्तर में शामिल नहीं है। और ऐसे ही अगर ये आता है इसका मतलब क्या है, डार्क सर्किल। और डार्क सर्किल का मतलब क्या होता है बताओ, इसको बोलेंगे अपन डार्क सर्किल। डार्क सर्किल का मतलब है कि जिस पॉइंट पर डार्क सर्किल यानी गहरा गोला हमने बना दिया, गहरा वृत्त हमने बना दिया, तो वो हमारे उत्तर में शामिल होगा। तो ये 6-7 जो मैंने लिखवाई है आपको ट्रिक्स, इनको तो कम से कम याद रखना है। और उसके बाद मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी पे ये है तो आपको छोटा ब्रैकेट यूज करना है, और अगर ये कहीं बना हुआ है तो आपको बड़ा ब्रैकेट यूज करना है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहला डेफिनेशन ऑफ असमीका, असमीका की परिभाषा जिनमें ग्रेटर देन लेस देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह प्रयोग होते हैं। उसके बाद मैंने ट्रिक लिखवाई है, आज की क्लास में जो मैंने ट्रिक लिखवाई है ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये ट्रिक आ गई तो मान लेना कि इस टॉपिक में आपको आपकी कमांड हो जाएगी कम से कम नहीं तो 70%। तो आज के लिए इतना ही।